वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास तक हमने बात की थी रिलेशन की, रिलेशन और फंक्शन। चैप्टर नंबर टू अपना चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन अपना जो चैप्टर चल रहा था, इसके अंदर हम बात कर रहे थे रिलेशन के ऊपर। तो रिलेशन की हमने तीन लेक्चर हमने देख लिए थे, आज भी हम बात करेंगे रिलेशन के ऊपर, और अभी तक दो तीन क्लास अपनी और चलेगी सिर्फ रिलेशन के ऊपर। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि अभी तक हमने फंक्शन के ऊपर कोई भी बात नहीं की है, फंक्शन का अभी तक हमने किसी भी लेक्चर में कहीं जिक्र नहीं किया है, तो आप फंक्शन को तो एक बार भूल जाओ। कई स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो इसको इससे रिलेट कर देते हैं और उल्टे सीधे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उनको एक बार बताना चाहूँगा कि फंक्शन अभी तक, फंक्शन का कोई रोल नहीं है, फंक्शन अभी तक आया ही नहीं है। हमने इन क्लासों में, इन तीन क्लासों में कहीं भी मैंने फंक्शन का जिक्र नहीं किया है, ना मैंने जिक्र किया है फंक्शन और रिलेशन के बीच में क्या संबंध होता है, ना मैंने इसकी चर्चा की है। मैंने चर्चा की है सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की, तो ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, सिर्फ रिलेशन हम पढ़ रहे हैं तो एक बार रिलेशन पे ही फोकस रखें, ठीक है। तो रिलेशन में जिस प्रकार हम बात कर रहे थे, मैंने इस प्रकार दो सेट के एग्जांपल्स मैंने बताए थे इस प्रकार से, और इस प्रकार से रिलेशन को मैंने डिफाइन किया था आपको याद हो तो। तो कई बार क्या होता है कि मैंने बताया था कि कोई रिलेशन आर इस ए से बी के ऊपर डिफाइन है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस रिलेशन की, ना कि फंक्शन की। मैंने यहाँ फलन की कोई बात नहीं की है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रिलेशन की, तो इसको फलन से रिलेट ना करें। आगे चलते हैं, ये चीज़ क्लियर इसलिए की है कि कई स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद फिर नहीं समझ में आया तो फिर वो टीचर को कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इस हिसाब से मैंने ये चीज़ एक बार आपको क्लियर की है, तो इस पर गौर करें। आगे हम चलते हैं, इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, स्टेटमेंट उसका लिख रहा हूं मैं। थ्योरम है आपकी, इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, If A, B and C are non-empty sets and if R subset of A cross B as subset of B cross C, as subset of B cross C are the relation from, are the relation from B, relation from A to B and B to C respectively, respectively, then S O R inverse is equals to R inverse O S inverse, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम। तो बात करते हैं, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स को क्या है कि थ्योरम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप भी मेरे ख्याल से थ्योरम में ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हो। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि थ्योरम सबसे, क्वेश्चन से ज़्यादा इजी रहती है आपकी थ्योरम्स। थ्योरम्स में क्या रहता है कि पूरी की पूरी चीज़ आपको स्टेटमेंट में दी हुई होती है, और स्टेटमेंट जो रिलेट करता है वो पूरी डेफिनेशन के ऊपर रिलेट करता है, ठीक है। अब तक हमने पिछली तीन क्लासों में जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी टाइप्स की चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, जितनी भी चीज़, एक बार आप उन चीज़ों को दोबारा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बार बार में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको रिपीट करके देखें। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सारी की सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप आओ थ्योरम्स के ऊपर, क्योंकि थ्योरम्स में हर एक चीज़ डिपेंड करती है डेफिनेशन के ऊपर। अगर आपको डेफिनेशन, वो थ्योरी अगर आपको क्लियर है,
तो आपको थ्योरम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थ्योरम की बात करते हैं हम, इसके स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि ए बी और सी कोई तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जो सेट रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव जरूर है, खाली नहीं है, ये क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट। अब बोल रहा है यदि कोई रिलेशन है वो ए क्रॉस बी में डिफाइन कर रहा है और एक रिलेशन है वो बी से सी पर डिफाइन कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है? ये एस बोल रहा है, ठीक है, और इसको ए से बी के ऊपर जो डिफाइन है उसको क्या बोल रहा है? आर बोल रहा है। ये दो रिलेशन दे रहा है हमें, ठीक है। ये देखो, फ्रॉम रिलेशन ए टू बी एंड बी टू सी, मतलब आर जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी पर, और एस जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? बी से सी के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, तब ये बोल रहा है कि तब हमें प्रूफ करना है आर एस ओ आर इनवर्स बराबर आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। देखो काफ़ी इजी तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम देखो क्या प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, मैंने एक चीज़ सेट में पढ़ाई थी कि अगर ए बराबर बी आपको कोई दो सेट प्रूफ करना है, ये चीज़ बताई थी मैंने और प्रूफ भी की थी वहाँ पे थ्योरम्स में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करते हैं, उसके बाद बी सबसेट ऑफ ए प्रूफ करते हैं। दोनों समीकरण से हम क्या कह सकते हैं? ए बराबर बी होगा, यही प्रूफ करते थे। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको इसका सबसेट, फिर इसको इसका सबसेट हम प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखना प्रूफ में। सबसे पहले हमें दिया गया है सिंस या गिवन, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये दो चीज़ हमें दी हुई है। लास्ट क्लास में मैंने इनका इनवर्स निकाला था, तो इनवर्स आर इनवर्स हमने क्या किया था? इसको उल्टा किया था। तो यहाँ से हम देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इनवर्स सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड इसका इनवर्स क्या होगा? एस इनवर्स सबसेट ऑफ सी क्रॉस बी। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ हमें दी हुई है, इस चीज़ से हमने इसका इनवर्स निकाला है, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ से आर इनवर्स ओ एस इनवर्स निकालते हैं, तो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स क्या मिलेगा हमें? वो मिलेगा हमें सी क्रॉस, ये दोनों में कॉमन क्या है? बी है, तो क्या मिलेगा? सी क्रॉस ए। अभी इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, तो एक बार देखना। यहाँ से हमने एस ओ आर निकाला था इसका जब एस ओ आर निकाला था तो वो क्या निकाला था? बी दोनों में कॉमन है, तो वो क्या निकाला था हमने? ए क्रॉस सी निकाला था। सिमिलरली आर ओ एस निकालोगे तो क्या निकालोगे? सी क्रॉस ए, इसका उल्टा निकालोगे। इसी प्रकार हमने क्या निकाला? आर इनवर्स ओ एस इनवर्स निकाला है, मतलब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? बी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? सी क्रॉस ए यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं? यहाँ से इस बाई इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इसको सेकंड नाम दे दो, इसको फर्स्ट, इसको थर्ड। इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं लिख रहा हूँ एस ओ आर, ठीक है। एस ओ आर मुझे क्या मिलेगा? एस ओ आर मतलब ये इस प्रकार से एक फंक्शन डिफाइन है, तो एस ओ आर मुझे मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या है? बी है, तो ये तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? ए क्रॉस सी बचेगा। तो एस ओ आर क्या लिखोगे आप? एस ओ आर ये सबसेट आएगा, सॉरी, तो एस ओ आर सबसेट किसका रहेगा? वो रहेगा ए क्रॉस सी का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर सभी को? अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो एक बार पीछे के लेक्चर जरूर देखें, वहाँ पे ये चीज़ें निकालना बताया है मैंने, ठीक है। अच्छा, का एक पूरा लेक्चर मैंने इसी को दिया है, कंपोजिट रिलेशन को ही मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है, वहाँ पे देखें। अब इसको मैं एस ओ आर इनवर्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? इसको सी क्रॉस ए लिखूँगा। देखो मेरी ये कंडीशन प्रूफ हो गई, एक मैंने क्या किया, दोनों किससे रिलेट है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आर इनवर्स ओ एस इनवर्स एंड एस ओ आर इनवर्स रिलेशन या रिलेट रिलेशन विद सी एंड ए रिस्पेक्टिवली, या जो भी है। यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आर इनवर्स ओ एस इनवर्स भी किससे रिलेट कर रहा है? सी क्रॉस ए से,
ये भी किससे रिलेट कर रहा है, सी क्रॉस ए से, मतलब ये किसका सबसेट हो जाएगा, एस ओ आर इनवर्स का। तो एक कंडीशन अपनी प्रूफ हो गई, यहाँ तक नोट करें, उसके बाद मैं इसको करूँगा इरेज। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे मैं मानता हूँ लेट, मैं मान के चल रहा हूँ लेट सी ए सबसेट ऑफ एस ओ आर इनवर्स। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ये इसका क्या है, एक सबसेट है, यानी कि ये इसके ऊपर क्या है, रिलेशन है। तो देखना, दिस इज इम्प्लाइज सी ए सबसेट ऑफ एस ओ आर इनवर्स। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए सी सबसेट ऑफ एस ओ आर। अगर ये इनवर्स में सी ए है तो इसमें क्या होगा, एस ओ आर में क्या होगा, ए और सी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आगे देखना, तब देर एग्जिस्ट, इन दोनों को मिलाने वाला कोई एक जो बीच वाला एलिमेंट है वो तो रहेगा ही, इन दोनों को कौन मिला रहा है, बी तो जोड़ रखा है इन दोनों को, तो वो क्या होगा, बी बिलोंग्स टू बी। ये जब कंडीशन आ गई तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सच देट ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा, एस। क्लियर, ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, और बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा, एस होगा। अब आगे मैं इन दो कंडीशन के ऊपर बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर मैं बी ए बिलोंग करता हूँ तो बी ए किस में बिलोंग करेगा, इसके इन्वर्स में बिलोंग करेगा, एंड सी बी किस में बिलोंग करेगा, एस इन्वर्स में करेगा। ठीक है, इन दोनों के इन्वर्स में, इन्वर्स का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो इसके क्या लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, वो उल्टा करेंगे तो उसके भी क्या लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। अब आगे बात करते हैं, मैं यहाँ से इसको पहले लिख रहा हूँ एक बार, सी बी बिलोंग्स टू एस इन्वर्स एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स। तो यहाँ से जो सी ए होगा वो किस में होगा, वो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स में होगा या नहीं होगा, यानी कि सी ए। अब मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, इन दोनों का कंपोजिट रिलेशन लिख रहा हूँ, कंपोजिट रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो कंपोजिट रिलेशन कैसे लिखते हैं वो देखना, तो सी ए बी क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा कौन सा, सी ए बिलोंग्स टू वो किस में करेगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ध्यान रखना, ये एस इनवर्स ओ आर इनवर्स नहीं होगा, ये आर इनवर्स ओ एस इनवर्स होगा। तो देखना, मैं एलिमेंट लेके चला था ये इसका, ये बिलोंग या सबसेट, सॉरी ये एक इसको बिलोंग कर लेना, ठीक है, ये क्या रहेगा, बिलोंग्स टू रहेगा, सबसेट नहीं रहेगा। तो देखना, ये सी ए बिलोंग किसमें करेगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। तो मैं सी ए इसका एक ऑर्डर्ड पेयर मान के चला था, इसमें शो गया, तो आप क्या कह सकते हो, ये एस ओ आर इनवर्स किसका सबसेट है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दो नाम दे दो, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। तो थ्योरम में ज़्यादा कुछ है नहीं, दोबारा हमें एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप दोबारा समझना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, ये दो कंडीशन दी हुई है, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन दी हुई है। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, आर इनवर्स निकालूंगा, यहाँ से क्या निकालूंगा, एस इनवर्स। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, एस इनवर्स क्या हो जाएगा, सी क्रॉस बी। दोनों का क्या लिखूंगा, कंपोजिट फंक्शन लिखूंगा, दोनों का कंपोजिट फंक्शन लिखूंगा, एक इसका कंपोजिट फंक्शन लिखूंगा, एक तो इसका डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन, एक इनके इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन लिखूंगा। तो आपको दोनों क्या मिलेंगे, एक दूसरे के सबसेट मिलेंगे। तो एक फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो जाती है। सेकंड कंडीशन में क्या करूंगा, इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए इसका एक एलिमेंट मान के चलूंगा, सोल्व करूंगा, और इसका सबसेट प्रूफ हो गया। जब मैं इसका एक एलिमेंट मान के चला हूं, इसमें शो हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये इसका सबसेट है, और पीछे वाले में हमने इसको इसका सबसेट प्रूफ किया था, दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर चर्चा, सॉरी, इसको देखना आप अच्छे से, खुद एक बार करके देखना।